दोस्तों एक दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता विनोद खन्ना और फिरोज खान ये दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे और जिस भी फिल्म में ये दोनों दोस्त साथ में होते थे उस फिल्म की भी हिट होने की गारंटी मानी जाती थी। इन दोनों के प्रशंसक भी इन दोनों को साथ में देखना बहुत पसंद करते थे। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इन दोनों की मौत भी 8 साल के गैप में एक ही तारीख को हुई और दोनों की मौत का कारण भी एक ही था। और दोस्तों ऐसा भी बताया जाता है कि इन दोनों दोस्त अभिनेताओं ने एक ही साल के भीतर तलाक भी लिया था। तो दोस्तों क्या है इन दोनों जिगरी दोस्तों की कहानी और कौन कौन सी फिल्मों में इन दोनों ने साथ में काम किया है, साथ में इनकी कौन कौन सी फिल्में हिट हुई हैं और इनकी मौत की वजह क्या थी, दोस्तों इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों 27 अप्रैल साल 2009 को फिरोज खान का निधन हुआ था और इसके ठीक 8 साल बाद 2017 में 27 अप्रैल को ही विनोद खन्ना का भी निधन हुआ। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इन दोनों जिगरी दोस्तों की मौत का कारण एक ही था, क्योंकि इन दोनों दोस्तों ने ब्लड कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कहा था। दोस्तों विनोद खन्ना और फिरोज खान की दोस्ती फिल्म शंकर शंभू के सेट पर हुई थी जो कि साल 1976 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए ही पहली बार पर्दे पर विनोद खन्ना और फिरोज खान एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म में फिरोज खान ने शंकर और विनोद खन्ना ने शंभू का किरदार निभाया था। और दोस्तों फिल्म के साथ ही इन दोनों की दोस्ती भी चल पड़ी जो कि मरते दम तक कायम रही। दोस्तों इसके बाद साल 1980 में आई फिल्म कुर्बानी में इन दोनों अभिनेताओं ने एक साथ में काम किया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज खान ही थे और वह फिल्म में अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के पास समय का अभाव था इसलिए अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। दोस्तों इसके बाद फिरोज खान ने विनोद खन्ना को कास्ट किया। दोस्तों इस फिल्म की कहानी दोस्ती और त्याग के इर्द गिर्द बनी गई थी और रियल लाइफ में ये दोनों अभिनेता बहुत अच्छे दोस्त थे इसलिए इनके प्रशंसकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। दोस्तों कुर्बानी के बाद विनोद खन्ना और फिरोज खान फिल्म दयावान में एक साथ नजर आए थे और इस फिल्म को भी फिरोज खान ने ही प्रोड्यूस किया था। दोस्तों ये फिल्म मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन की रीमेक थी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि फिरोज खान ने इस फिल्म को सिर्फ अपने दोस्त विनोद खन्ना के लिए ही बनाया था जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। दोस्तों विनोद खन्ना ने साल 1971 में गीतांजलि से शादी की थी जिनसे उनके दो बेटे हुए थे अक्षय और राहुल खन्ना, लेकिन शादी के 14 साल बाद ही विनोद खन्ना का तलाक हो गया था। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोस्तों इसी साल फिरोज खान ने भी अपनी पत्नी सुंदरी से तलाक लिया था। दोस्तों फिरोज खान साल 1986 में आई फिल्म जाबाज में भी विनोद खन्ना को ही लेना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तक विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना चुके थे क्योंकि विनोद खन्ना उस वक्त ओशो से काफी प्रभावित थे और उनके फॉलोअर बन गए थे। दोस्तों दोनों की अगर लोकप्रिय फिल्मों की बात करें तो विनोद खन्ना ने कुर्बानी, हेरा फेरी, मेरा गांव, मेरा देश, पत्थर और पायल जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। वहीं फिरोज खान ने आरजू, सफर, मेला, अपराध, काला सोना, धर्मात्मा और नागिन जैसी फिल्मों में काम किया है।